Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया. Please, please, विराजमान हो जाइए. Archana ji, you are looking so pretty. अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, baby. baby. अच्छा, कुछ लोग entertainment के लिए romantic फिल्में देखते हैं, Archana ji, आपको पता है. कुछ लोग action देखते हैं, कुछ comedy देखते हैं, और कुछ लोग dance और गानों से entertain होते हैं. और जिनको ये सब एक साथ देखना होता है, वो फिर हमारा show देखते हैं. तो सबके कंप्लीट एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने आज यहाँ पे आमंत्रित किया है उस सुपरस्टार को जो एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी सब में एंटरटेनर नंबर वन है. वाह. और ये अकेले नहीं आ रहे, बल्कि इनका पूरा गिरोह, इनका पूरा ग्रुप आ रहा है. तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम द एंटरटेनर्स टूर से वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय कुमार, नोरा फतेही, दिशा पटानी, मौनी रॉय और सोनम बाजवा. जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए. बाजी पैरी बहना जी, पैरी बहना बाजी. गर्ल्स वेलकम, दिल से आपका स्वागत है. जोरदार तालियां हमारी ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए. आप लोग देख रहे हैं ये आदमी कितना घटिया आदमी है. कहते हैं दिल से स्वागत, मेरा क्या सुनने से करेगा. और मेरा कौन, मैं आपके पैर छुए ना बाजी, पैरी पहना तेरा ताया लगता हूँ जो मैं तेरे लगा. हाँ वो देख तेरे ताया जी बैठे. क्या हाल है भाई साहब? जीते रहो. कब छोड़ोगे ये सीट? आपको पता नहीं है ये सीट अभी छूट भी नहीं सकती. क्यों? इन्होंने साथ में रफू करवा रखी है. ये उठती है तो सोफा साथ में उठ जाता है. ओहो बाजी, द एंटरटेनर टूर के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको बाजी. अच्छा टूर हो तो ऐसा जैसा ये कर रहे हैं. कितने खूबसूरत चेहरे आपके साथ जा रहे हैं. हमारे तो वही लड़कों को लड़कियां बना के ले जाते हैं हम लोग. सारे राज एयरपोर्ट पे खुल जाते हैं जब चेकिंग होती है. लेकिन आपका मानना पड़ेगा प्रभु, देखो लोगों को फिल्म के लिए एक हीरोइन नहीं मिलती, ये लाइव शो के लिए चार चार हीरोइन जा रही है. वाह, मैंने अपने पहली फिल्म की थी तो मेरी एक हीरोइन थी. हाँ. इसकी पहली फिल्म में चार हीरोइन थी तब हमने बोला. अच्छा एक बात, तेरी एक और फिल्म आ रही है ना, क्या नाम है उसका? ज़्विगाटो. अबे नाम है नूडल्स का नाम रखा है. ज़्विगाटो इज अ वेरी सीरियस मूवी, वेरी नाइस मूवी. ज़्विगाटो के लिए बहुत बहुत बधाई. ने थैंक यू भाई, शुक्रिया. बस आप लोग भी यही कहना चाहेंगे कि फिल्म के चक्कर में ये शो ना छोड़ दे. क्या ख्याल है? ये शो नहीं छोड़ना चाहिए, शो को पकड़ के रखियो. बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिहाड़ी यहीं से आएगी तेरी. यस पाजी, बिल्कुल आई एग्री. और शो को तो आप मुझे पता अक्षय पाजी बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा फिल्म की तारीफ कर दो. चलिए चलिए फिल्म की तारीफ कर देते. पिछले साल जो तेरी फिल्म आई थी वाकई में बहुत बढ़िया. पिछले साल कौन सी आई पाजी? पिछले साल कोई नहीं आई. अच्छा चलो उसके पिछले साल जो आई थी उसके पिछले साल भी कोई नहीं. ओके चलो उसके पिछले साल जो नहीं उसके पिछले साल भी कोई नहीं. अबे तो तेरी फिल्म आई नहीं तो मैं कहाँ तारीफ करूँ? पागल तो नहीं है? कौन सी फिल्म आई थी तेरी? जो आ रही है उसकी कर दो. ये आदमी मरवाएगा, अभी तक आई नहीं है उसकी तारीफ कर दो. अभी तक देखी भी नहीं मैंने फिल्म. तो ये कैसे ख्याल आया पाजी आपको एंटरटेनमेंट टूर करने का? देखिए ये बात तो आप लोग सब मानते हैं कि आज के टाइम में एंटरटेन करना बड़ा जरूरी हो गया है. बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में हर आदमी टेंशन में रह रहा है ना. किसी ना किसी को कुछ बात की टेंशन है. इस लौंडे को इस बात की टेंशन है कि अक्षय कुमार कितना काम कर रहा है, कितनी फिल्में कर रहा है. दूसरी टेंशन इसको यह है कि कोई भी इस स्टेज पे आ जाए अपनी फिल्म जरूर घुसड़ देगा. अर्चना जी को कोई टेंशन नहीं, इनको इस बात की टेंशन. अभी मढ़ में इन्होंने एक नया बंगला लिया है, उसकी पेमेंट करनी है. अब इनको इस बात की टेंशन है कहीं सिद्धू जी ना आ जाए फिर. अब नोरा जी हैं. हाँ. नोरा जी को इस बात की टेंशन है. हाँ. कि कोई भी आता कहता ये मेरी गर्लफ्रेंड है. अबे भाई इनसे तो पूछ लो ये किसकी गर्लफ्रेंड है.
इनके हिसाब से तो वो गाना सही बैठता है, तू प्यार है किसी और का, हाँ, तुझे चाहता कोई और है। मौनी रॉय, अभी अभी शादी हुई इनकी, इनको इस बात की टेंशन है क्या कि नागन का रोल इन्होंने किया, हाँ। तो इनके हस्बैंड को लोग बीन देते थे गिफ्ट में। So bad. दिशा बट्टी को इसको घूमने का शौक है भाई, हाँ। इसे इस बात की टेंशन है कहीं सफारी में जाए तो वहां कहीं टाइगर ना मिल जाए। इस बात की टेंशन है। आप जानते हैं सोनम बाजवा जो है, हाँ। ये पहले एयर होस्टेस थी जी, इसको लेके हमें टेंशन है क्या कि फ्लाइट में कोई बेल बजाएगा कहीं ये ना खड़ी हो जाए ड्यूटी देके। इसको रोकना पड़ेगा, अरे नहीं तेरे लिए घंटी नहीं बजाई बैठ। और मुझे मुझे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन? मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे साथ चार हीरोइनें जा रही हैं फॉरेन टूर पे, मुझे अपने आप को दुखी दिखाना है घर पे। क्यों? अगर अगर ये आप सब पति जाते अगर आप खुश घर लौटे तो बेटा अगला शो कभी नहीं होगा। मुझे घर आना है यू दुखी, घर में पूछा जाएगा क्या हुआ, ओफ कितना काम कराते हैं, बड़ी टेंशन होती है। तो भैया सब आदमी को हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन रहती है। नहीं आप ना टेंशन लो भाई, आप अक्षय कुमार हो, खिलाड़ी कुमार। अब अक्षय कुमार हूँ, देखो मेरे भी जो दो पलड़े होते हैं, एक में बीवी है एक में बच्चे हैं, तू तो शादीशुदा है जी, हाँ तू तो जानता है ये बात को है? चलो छोड़ो ये क्यों बात कर रही है। अपना शादीशुदा होने का कुछ नहीं बताता। और शादी में उधर अंधेरी वेस्ट में हुई है, हम लोग ईस्ट में शूट कर रहे हैं। पर बात पाजी ने बिल्कुल सही बोली है, हर दूसरा आदमी टेंशन में है, किसी को काम का टेंशन है, किसी को गर्लफ्रेंड का टेंशन है, किसी को तो इस बात का टेंशन है कि सामने वाले को कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन सारे टेंशन का एक ही इलाज है, वो है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या क्या करते हैं आप सबको पता होगा, 20 रुपए की आइसक्रीम पाजी जगलिंग कर करके 2 रुपए की बेचते हैं। अर्चना जी गई यूरोप घूमने, इसके सामने ऐसा कर रहा था, इन्होंने पहली बार में उसकी कलाई पे काट लिया। झूठा। 200 रुपए की आइसक्रीम कहती, अब देख मेरे हाथ से पढ़ के दिखा 200 रुपया। उस आदमी की जान ही छूटी है, इनके हाथ से 200 नहीं छूटा, इतना कस के पकड़ा इन्होंने। चलो अर्चना जी तो ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एक एंटरटेनमेंट के लिए आदमी सांप लेता है, नाक में डाल लेता है, फिर मुंह से निकाल लेता है, और उस आदमी के लिए लोग जोरदार ताली बजाते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताऊं, ताली उस सांप के लिए बजनी चाहिए जिसको पता है कि नाक से जकल के मुंह से आना है, उसके लिए कोई ताली नहीं, वो चाहे तो किसी और छेद से बाहर आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ताली नहीं बजाता बेचारे के लिए। अर्चना जी ऐसी ऐसे क्या है, ऐसा क्या है, है? अच्छा ऐसी बातें सुनी नहीं आपने? ऐसी बातें नहीं होती, जब मुझे कोई चीज बहुत पसंद आती है तो मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा नहीं पसंद आती तो फिर क्या करते हो, फिर कहाँ हाथ रखते हो? तो बात बिल्कुल पाजी ने सही कही, टेंशन का माहौल जब होता है ना, एंटरटेनमेंट होना बड़ा जरूरी है। आज तक पता यही माना जा रहा था कि मोबाइल जो होता है ना इसी से दुनिया एंटरटेन हो रही है, लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, तब पता चला कि मोबाइल सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बहुत सारे साधन है और भी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए। सोनम, दिशा, मौनी और नोरा, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां जो हैं इस टूर पे साथ में जा रही, मुझे तो ये डर है पायलट अपना ऑटो पायलट मोड पे लगा के ना एयर होस्टेस की जगह खुद ना चाय लेके आ जाए आपके पास, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा अक्षय पाजी के साथ आप लाइव टूर कर रही हैं, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप मुझे लाइव देख के? ओके एनीवेज नोरा, पुराने जन्म का हमारा रिश्ता है, ये दुनिया नहीं समझेगी नोरा, देखो मैचिंग कहीं ना कहीं हम मैच कर लेते हैं। थी मैचिंग हो रहा है, है ना नोरा? मैचिंग हो रहा है, बड़ा मैचिंग हो रहा है, इंद्रधनुष बन के आ गया है। ऐसा लगता है एमएफ हुसैन ने पेंटिंग की है कपड़ों पे। अच्छा आप ये टूर में देखो आप जितने लोग हैं, अक्षय पाजी सुपर फिट, हमारी चारों लड़कियां देख लो, नोरा, मौनी, दिशा, सोनम, इनके कंपैरिजन में नहीं भाई, ये बहुत सुपर फिट हैं, ये चारों के चारों बहुत सुपर फिट हैं।
आपको भी 26 इंच करनी है कमर, आपको क्या लड़कियों से भी मुकाबला करना है आपको? तो क्यों, उसमें क्या परेशानी? मैं ये बोल रहा हूँ, प्रभु मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सारे इतने फिट हैं, तो आपका जो शो होगा, जाते ही शो शुरू होगा, स्टेज पे पहले वार्म अप एक्सरसाइज होगी, योगा वोगा कराएंगी आप? ओके नोरा, व्हाट्स योर प्लान व्हेन यू गो देयर? आर यू गोइंग टू, वैसे तो आप योगा भी करेंगे तो एंटरटेन ही होंगे लोग? मैं तो कुछ भी नहीं करती, योगा नहीं करती, जिम नहीं जाती। तो ये ऑटोमेटिक मिला है? ऑटोमेटिक है ये, इट्स बिकॉज़ ऑफ योर जीन्स, बिकॉज़ ऑफ योर जेनेटिक ब्लेसिंग मिली मैंने। माता पिता के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मौनी जी, आप अपने फिटनेस का राज बताइए। मैं थोड़ा बहुत योगा करती हूँ। थोड़ा बहुत कितना? तीन दिन करती हूँ और तीन दिन योगा, बाकी के चार दिन जब जब टाइम मिलता है कर लेती हूँ। घर का खाना भी खाती हूँ काफी सारा। तो क्या क्या बना लेते हैं आपके पति नाश्ते में? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कुकिंग आती है, मैं सारा बंगाली फूड बना लेती हूं। बहुत अच्छा खाना बनाती है इसने, जब मैंने इनके साथ फिल्म की थी ये, मैं 2-3 बार मेरे लिए खाना लेके आई थी, बहुत अच्छा खाना बनाया। वो मैंने नहीं बनाया था, कुक ने बनाया था। कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, ले लेती चुपचाप। तो किसने बनाया था? कुक ने। तूने मेरे को बोला तूने बनाया? नहीं बोला सर आपको, प्रॉमिस। ओके मैं अपना कॉम्प्लीमेंट वापस लेता हूँ, इनके कुक के लिए जोरदार था। कुक के लिए। दिशा जी, आपके फिटनेस का राज? थोड़ा बहुत जिम। बट डू यू एंजॉय फिटनेस? या आई डू। व्हाट डू यू वांट टू से टू पीपल अबाउट फिटनेस? व्हाई शुड पीपल बी फिट? ताकि आप और मीठा खा सको। ताकि आप और मीठा खा सको। मैं तो हमेशा कहता हूँ 24 घंटे में अगर आप एक घंटा अपने आप को नहीं दे, अपने एक्सरसाइज को ना दे पाए। नहीं आपका तो चलता है, आपके तो घर में जिम है, जिनको दूर दूर जाना पड़ता है उनका क्या करें? तो आधा घंटा ट्रैफिक में निकल के, जब पैदा होते ही मेरे घर में जिम था। मेरे याद है मेरे पास तो जिम के पैसे भी नहीं थे, हम तो जाते थे छत पे मारते थे, दंड मारते थे, समुद्र के किनारे जाते थे, वर्सोवा पे, वहाँ पे सात बंगले पे जाता था मैं, रोज जाता था वहाँ। बट कपिल तेरे तो बिल्डिंग में है ना जिम? हाँ तो जाता ही हूँ मैं, अब क्या है? वो देखने के लिए नहीं कह रही है, वहाँ जाके एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ। सोनम, आप इंडियन अटायर में बहुत प्यारी लग रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो फिटनेस की बातें चल रही हैं, आप क्या करती हैं फिटनेस के लिए? मैं एक्चुअली वर्कआउट कर दिया, जो तो वर्कआउट तो बोर हो जानी है, फिर साइकिलिंग कर लेनी है, साइकिलिंग तो बोर होनी है, फिर डांस कर लेनी है, सो थोड़ा थोड़ा। बट नॉर्मली कितने फिर एक्टिंग का तो कर दो। तो थोड़ा थोड़ा आई ट्राई कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, वर्कआउट जरूर करना चाहिए। मौनी, आपने जो ड्रेस पहनी बड़ी खूबसूरत है, इसके बाद कहीं किसी की तिजोरी लूटनी आपने? ये जो आपने पहना हुआ है, मुझे लगा ही था कि इतनी देर तक आपने नहीं, मेरे को पहले लगा कि नहीं किया, मुझे लगा दूसरे हाथ का कहीं नाचते नाचते गिर गया, फिर मैंने देखा कि दोनों है, अब क्या करूं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अच्छा, जब आप चारों लड़कियों को पता चला कि आप अक्षय पाजी के साथ टूर पे जा रहे, तो किस बात की आपको ज्यादा खुशी थी, कि टूर पे जाने की या इस बात की कि चारों गर्ल्स जा रही हैं, गर्ल्स ट्रिप होगा सरकारी खर्चे पे, वो भी दबा के शॉपिंग करेंगी, ये ख्याल आते हैं आपके मन में ऐसे? एग्जैक्टली हम लोगों ने आई थिंक प्लान, हाँ, और आई थिंक सब कुछ ये पूरी चीज का एक मिश्रण है। सबसे पहले तो क्योंकि अक्षय सर हैं और उनके साथ जब भी काम करने का मौका मिलता है, इट्स अ प्रिविलेज। एंड फिर यूएस जा रहे हैं, आई मीन ऑल ऑफ देम, ऑल थ्री ऑफ देम आर सो टैलेंटेड, और मैं हर एक के पास जाकर मैंने उनको बोला हुआ है कि किस तरह से मैं उनका काम बहुत पसंद करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक बहुत धमाका होने वाला है स्टेज पे, और वेट कर रहे हैं कि सब आके हमें ज्वाइन करें। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइव टूर। अच्छा, आप सब एक्ट्रेस हैं, पॉपुलर हैं, कभी आप एयरपोर्ट पे जाती हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि एयरलाइंस वाले कहते हैं कि आपका जी ओवरवेट हो गया, 2 किलो बढ़ गया है, कभी आपने अपने पॉपुलर होने का फायदा उठाया कि फिर क्या हुआ 2 किलो बढ़ गया है, बगल वाली पैसेंजर से मेरा 15 किलो कम है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, कभी आप ऐसा फायदा उठाती हैं अपने पॉपुलर होने का? मैंने डिस्काउंट मांगा है। किससे? एयरलाइंस वालों से? हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज का पता है बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैंने बोला कि मैं तो अक्सर आती जाती हूँ, तो आपको और एक्ट्रेस हैं तो सब कुछ कैरी करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, लाइक आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो काफी उन्होंने डिस्कशन किया, खुसर पुसर, फिर दे दिया डिस्काउंट। इतनी बड़ी आप एक्ट्रेस है, कितने का डिस्काउंट लिया आपने? यार आप कितने भी बड़े हो जाओ, डिस्काउंट सबको अच्छा लगता है ना। वेरी नाइस, ये बात मुझे सुननी थी, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। सेल मेक्स यू हैप्पी, डिस्काउंट मेक्स यू हैप्पी।
अच्छा, फिटनेस फ्रीक हैं सब, तो मुझे तो लगता है ऐसा कि फ्लाइट में जो कॉम्प्लीमेंट्री खाना भी मिलता है, मुझे नहीं लगता आप खाती होंगी। घर से भी कैरी करती हैं कुछ आप, जो लड़कियों के पास होता है ना अक्सर, इट्स अ प्रोटीन बार विद ब्लैक कॉफी। एक्चुअली मेरे बैग में हमेशा प्रोटीन बार होता है, लेकिन जब मैं पास वाले पैसेंजर को देखती हूँ फिर मेरा प्लान चेंज हो जाता है, फिर मैं खा लेती हूँ। एक्चुअली खुशबू से किसका पराठा खा ले हम उठा के, और जो स्मेल आ जाती है ना, बस बस ये खुशबू ने, खुशबू के सारे चक्कर। दिशा तुझे शौक है पराठे वराठे खाने का? शी इज वेरी डिसिप्लिन। मैं भी खाती हूँ ना चीट डे के दिन। शी इज सेइंग यू आर वेरी डिसिप्लिन। कभी पराठा खाया है दिशा? हां प्लीज लेकर आओ नेक्स्ट टाइम। पक्का? हां मक्खन यू मेक इट। हां हां डन। चलो ठीक। कितना अच्छा लगता है दो लड़कियां फिट वाली लड़कियां बोली पराठे खाएंगे। You like Indian food? बहुत ज़्यादा, बटर चिकन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आलू की पराठा? नोरा जी बात बताइए, जब आप पहली बार जब हिंदुस्तान आई थी और आपने जब यहाँ का खाना, इंडियन खाना, यू नो वो काफ़ी भारी भरकम खाना होता है, घी वी लगा के स्पाइसी फूड, सो डिड योर स्टमक गेट अपसेट? स्पाइसी तो मैं नहीं खा सकते हैं। अच्छा। वो तो बिल्कुल कैंसल्ड है। ओके। नहीं हो सकता मेरे साथ। बट बटर चिकन, रोटी, बटर नान, चीज नान, ओह माय गॉड, चीज नान। आई डोंट बिलीव इट दैट यू स्टिल ईट इट। ऑफ कोर्स। यू मस्ट बी ईटिंग मे बी वंस अ ईयर और समथिंग। नहीं, ओह माय गॉड, नो। मतलब एक हफ्ते में एक बार दो बार तो खाना तो पड़ता है। अच्छा, देखता हूँ अभी चलते हैं ना। दो हफ्ते सिर्फ यही खिलाऊंगा आप लोगों को। या प्लीज, मैं खुश होंगी। और याद रखना, अगर मैंने देखा वीडियो ले लूंगा, डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, ये देखो क्या खा रही हैं। मैं तो खाऊंगी। खाना यही है, इंडियन खाना। अच्छा, जब बाहर ट्रैवल करते हो ना, बड़ी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप कभी ऐसा हो, कभी निकले आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, पासपोर्ट ही भूल गए, ऐसी बड़ी सारी चीजें होती हैं। मैं जब एयर होस्टेस थी तब मेरे साथ हुआ था। क्या बोल? कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गई और मैंने अपना पासपोर्ट नहीं कैरी किया था। ऐसा होता है मेरे साथ। एयर होस्टेस का भी वीजा लगता है सोनम? हाँ, क्रू वीजा होता है ना। क्यों, एयर होस्टेस में क्या वीजा नहीं लगाएंगे? मुझे लगा तो फ्लाइट में तो वापस आए ना, कौन सा वहां जो क्रू वीजा होता है, क्रू वीजा होता है। बस बैठे रहे गड्डी अपना। चलो माफ कर दो, मैं ऐसे नॉलेज के लिए पूछ लिया मैंने। तो फिर एनी नॉलेज नहीं तेरे को? मैं कभी नहीं रहा एयर होस्टेस, मैं क्या करूं। अच्छा, क्रू वीजा लगता है। तूने कभी, अच्छा ईमानदारी से बता, तूने कभी एयर होस्टेस को डेट किया? नहीं, तब तक हीरोइन बन चुकी थी वो। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब आपका टूर अनाउंस हुआ ना, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार पाजी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, यूएस में शो होते 8 बजे। मैंने एक बार देखा, एक फ्लाइट में जा रहा था तो अक्षय पाजी आगे थे, ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में थे, हम लोग पीछे थे। फ्लाइट में भी 4 बजे उठ गए। एयर होस्टेस कहती पिताजी सो जाओ, अभी 16 घंटे बाद लैंडिंग है। अब ये उठ जाते हैं क्या करें। तो ये उठ उठ के ना, वो कैबिन उसको पकड़ पकड़ के ना, कैबिन को पायलट के पास पहुंच गए, पायलट को उठा के पीछे रखा है, पीछे वाली एयर होस्टेस को आगे ले जाए। इनसे कुछ ना कुछ करवा लो, खाली नहीं बैठ सकते ये। अगर तूने ये सारी टेक्निक सीख ली होती तो आज तेरा भी बैंक बैलेंस उतना ही होता। अगर तूने ये सब चीजें कर रहा होता तो आज तू भी वैसे ही रहता। धीरे धीरे सीख रहे हैं। आधी उम्र तो हो गई तेरी, अब कब सीखेगा? मैंने पचासी साल में करेगा तू ये सारी चीजें? भाई मैंने एक चीज और देखी है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आप कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाते हो, वैसे ही शूज की जाके बस फ्लाइट में बैठ जाना। लड़कियों का मैंने देखा है एयरपोर्ट पे, जब जाती ना एयरपोर्ट लुक होती है अलग से। पूरे टर्मिनल पे चलने के लिए शूज अलग होते हैं, क्योंकि मीडिया वीडिया भी होता है। फ्लाइट में बैठ जाती उसके लिए जूते अलग होते हैं। फिर जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, 10 घंटे की नींद भी पूरी कर लेती है, लैंडिंग से पहले वापस उस लुक में आ जाती है जहां से टेक ऑफ किया था। ये मेकअप आप कब करती है? जब हम जैसे आम आदमी कंबल तय कर रहे होते हैं उसी वक्त में आप कर लेती हैं? सोनम आप बताइए कैसे होता है? मैं सच बताऊं, मैं मेकअप करके नहीं जाती हूं। मैं भी जैसे अक्षय सर जाते हैं ना ट्रैक पैंट्स में, मैं भी हमेशा ट्रैक पैंट्स में जाती हूं। तो आई थिंक इस सवाल का जवाब दिशा, नोरा को मैंने देखा है। नोरास बैग विल बी लाइक दिस, इट विल नॉट मूव, है ना? नोरा एक वॉक हो जाए, द एयरपोर्ट वॉक, कम ऑन, गिव मी अ एयरपोर्ट वॉक, कम ऑन, कम ऑन, होता है क्या? हां, सो वी वुड लाइक टू सी द एयरपोर्ट वॉक। हम जहाँ पे ट्रेवल किया हम वही की बात करेंगे। मैम इधर देखिए, फ्लाइटें तो उड़ती रहती है, यात्रीगण इधर ध्यान दें। Yeah,
या पीछे का देयर वी गो कसम से ऐसी वॉक कर रही हो ना तो रनवे पे पायलट जहाज ठोक दे कहीं नोरा जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं हमें पता नहीं होता हमारे बगल में कौन आके बैठने वाला है कभी कोई पैसेंजर बैठा हो बड़ा टेंशन में और उसने आपको देखा हो फिर फ्लाइट में सोता भी आदमी है इस तरह मुंह करके चलो नोरा को देखते रहे ऐसे बीच में आके बोल के आपके साथ ऐसा कभी होता है वो पैसेंजर देख के खुश हो जाता है आपको ऑब्वियसली फिर वो क्या बोला बस तुम इसका मतलब दुनिया में हम अकेले नहीं हैं दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं ओके अच्छा दिशा के बारे में आपको बताऊं ये एक्सेप्शनल केस है इनके बारे में हमने सुना है कि इनको आईने में खुद को देखना पसंद नहीं है क्यों तो कोई और चाहे तो देख सकता है या उस पे भी एतराज है आपको नहीं स्क्रीन में मूवी देखना पसंद नहीं खुद की क्योंकि मूवी क्यों आई डोंट नो यू डोंट लाइक टू वॉच योर ओन नो आई वॉच इट लाइक दिस ओह माय गॉड आई एम लाइक द ऑपोजिट खुद को नहीं देख सकती बट यू हैव समथिंग कॉमन विद अर्चना जी शी वॉचेस इट लाइक दिस शी वॉचेस इट लाइक दिस शर्मा जी कैसे ये कितने का दिया मैं बेच नहीं रही हूँ तुम एक सेकंड तुम भूल गया वैलेंटाइन्स मंथ चल रहा है ओह सीरियसली हाउ स्वीट एक दो हैप्पी वैलेंटाइन एक्सक्यूज मी हैप्पी वैलेंटाइन मैं तुम्हारे लिए लाई थी हाँ तो मैंने जिनके लिए लिया मैंने उनको दे दिया तुमको क्या प्रॉब्लम है दो ही लेके आई दो कम लेके आई हो कुछ तो शर्म करो वैलेंटाइन्स मंथ चल रहा है एटलीस्ट अब तो आई लव यू बोल दो आई लव यू गर्ल्स थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी Happy Valentine. Archana ma'am, Rose Day, Chocolate Day, सब आके चले गए इस आदमी ने कुछ नहीं दिया मुझे ऐसे तो Independence Day भी आके चला गया तूने आजादी दी मेरे को मुझे कुछ नहीं सुना तुम आज रात को मुझे डिनर पे लेके जाओगे मुझे आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है बाहर जाओ बाबूराव वड़ा पाव वाला मेरा नाम लेके दो वड़ा पाव खाओ जाओ अभी के अभी क्या ये अपना फूफा साथ में ले गया पीछे बीच में Yes, आप क्या कह रही थी बहन जी वड़ा पाव कौन खाता है तू कितनी भी डाइटिंग कर ले तुझे शो पे तो नहीं लेके जा रहे ना अक्षय कुमार उसमें क्या है वड़ा पाव खाओ दिन रात खाओ एक तो मुझे शर्मा जी बोलना बंद करो जब खूबसूरत एक्ट्रेस है यहाँ पे आई हूँ कॉल मी कैप्स ओके ओके सो माय डियरेस्ट कैप्स इतना रोमांटिक मंथ चल रहा है तो क्यों ना हम एक गोवा की ट्रिप प्लान कर लें देख हमारा तो वहाँ पे कुछ होना नहीं तो जो गोवा पर रोमांस करेंगे उनका क्यों खराब करना इधर बैठो आराम से यहाँ पे भी वेदर अच्छा ही है मतलब दुनिया में अगर अनरोमांटिक होने की डिग्री होती ना तो पीएचडी होल्डर होते आपको पता है एफआरपी की हुई है इसने व्हाट इज एफआरपी ये फोर्सफुली रोमांटिक पर्सन ये डिग्री है इसके पास तुम्हारे अंदर से कभी थोड़ा सा प्यार निकलेगा पहले अपने मम्मी पापा को बोलो मेरे घर से निकले पाजी मैंने कहा लड़की एक जोड़ी में कपड़े में जाइए एक जोड़ी को गलत समझ गई माँ बाप की जोड़ी ले आइए वो जा ही नहीं रही है सारा परिवार ऐसा है इनका ना वो कमरे का हमारा घर है एक कमरे में इनकी माता ही सो रही है दूसरे कमरे में पिताजी हम कहाँ रोमांस करें वॉशिंग मशीन में कहाँ जाए मैं पाजी इसको पहली बार देखने गया ना रोका नहीं होता जो रोके पे इसकी बहनों ने मेरे जूते चुरा लिए तो मैं क्या ये तो बाद में शादी वाले दिन चुराते हैं कहते नहीं हर कोई आता है देख के चला जाता है फिर रिप्लाई नहीं करते हम अपनी रस्में कब पूरी कर रहे हैं Excuse me. उस वक्त तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था अपनी सालियों के साथ 5,000 तुम उन्हें शगुन दे रहे थे तब अच्छा, तो कंप्लेन इसके डैडी को पता चला 5,000 शगुन दे रहा हूँ इसका डैडी अंदर गया शेरवानी बदल के घाघरा पहन के आ गया ऐसे लोग हैं ये वेरी बेइज्जती प्रूफ लोग मतलब पापा मम्मी किसी को नहीं छोड़ोगे मम्मी का तो मैंने बताया नहीं अभी इसकी मम्मी डोली वाले दिन ना डोली वाली कार में बैठ गई कहती बेटा अगले चौक पे चाहे उतार देना मैं कभी डोली वाली कार में नहीं बैठी इसके पिताजी मुझे पैदल लेके आए थे ये हरकतें करते हैं ये लोग ये सारी फालतू बातें याद है तुम्हें असली बात याद नहीं है कि कब से मम्मी पापा तरस रहे कि एक बच्चे का मुंह देखिए समथिंग ओ पहले अपने बच्चे पैदा करने से तो फुर्सत मिले उनको लिसन बिहेव आपको पता है पाजी लेटेस्ट बच्चा इसकी मम्मी ने 3 हफ्ते पहले पैदा किया है हां 9 बच्चे हैं इनके 9 भाई बहन 9 बच्चे हां तो जैसे आम रेलगाड़ी का पास बनवाते हैं इसकी माताजी ने डिलीवरी का पास बनाया हुआ है किसी भी हॉस्पिटल हाँ? सब मुझे क्यों देख रहे ऐसी बात नहीं है ये बातें बनाता है और कुछ नहीं करता
उड़ लो, जितना मर्जी उड़ना है ना उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना, पंछी कितना दूर भी उड़ ले ना वापस घूम के अपने घोंसले में ही आती है। अच्छा जी, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं किसी के भी घोंसले में पीजी रह लूंगा, मेरी टेंशन मत लिया कर। अच्छा तो फिर ये बात है, ये बात इसकी बहुत अच्छी है, ये बड़ा एडजस्टिंग बंदा है ना। तो ठीक है फिर आज रात से तुम उसी घोंसले में ना दाने चुग लेना, क्योंकि आज से तुम्हारा डिनर बंद। आप सब लोग जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, और जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया लोग और मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सोनम, यू वांट टू सिट हियर? या डू वन थिंग, यू आर बोथ कमिंग। नो इट्स ओके, आई एम गुड। नो नो, यू विल नॉट बी एबल टू, यू वोंट बी एबल टू सी इट, इट्स देयर बिहाइंड यू। आई कैन सी। ओके, बैठ जाते। हां जी, पिक्चर दिखाई दे रहा। पहला ही अच्छा, मुझे तो कह रहे थे एमएफ हुसैन से बनवाया, ये कहाँ से बनवाया आपने? माय मंत्रा फॉर टुडे, गर्मी ह्यूमिडिटी और फॉक्स फॉर फर, सब चलेगा बस काम कर। इतना हाथ टाइट मैं किधर नहीं देखा अंग्रेजी। ओके, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। ये इतना काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे पैसे इकट्ठा करके गाड़ी में छत डलवा सके। वेरी बैड ह्यूमर जिसने भी लिखा है। अक्षय पाजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जाम में फंसे थे तो उसमें भी इन्होंने फोटोशूट करवा लिया। लगता है इन्हें मैप पे भरोसा नहीं है, इसलिए ऊपर बैठ के देख रहे हैं किधर रास्ता खाली है। और दिखाइए पाजी, फॉक्स की सी का F-A-U-X, what is that? X को प्रोनाउंस ही नहीं करते। फॉक्स, फोफर, फोफर, तो X नाम नहीं लेना उसका, साइलेंट है वो। ऐसी जगह बैठ के बैलेंस बनाना सिर्फ अक्षय कुमार ही कर सकता है, मेरे तो 7 दिन तक दर्द रहा। और दिखाइए, नोरा ने फोटो डाला है, नीचे कमेंट्स देखते आइए। मैं भी बचपन में जब स्कूल जाने में रोती थी तो मम्मी पापा और दीदी मिलके मुझे ऐसे ही तैयार करते थे। लड़कियां कितनी भी बिजी हो कैमरा देखते ही पोज दे देती हैं। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आगे आगे बढ़ते हैं, दिशा ने फोटो डाला, लुकिंग एट द एम्प्टी प्लेट बी लाइक। हाँ जी दिखाइए जरा, कमेंट्स दिखाइए। इनको इनके डॉक्टर ने बोला था 2 फोटो खाने से पहले, 2 फोटो खाने के बाद, और सुबह सुबह खाली पेट एक सेल्फी लेते रहना। ऐसी लड़की रेस्टोरेंट में आके बैठ जाए तो बगल वाला कस्टमर वेटर को एक्स्ट्रा टिप देके जाता है। ये सोच रही है कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मेरी प्लेट में भी छोले भटूरे और मूंग दाल का हलवा होता। This is the best. That is good. और आगे दिखाइए, सोनम ने फोटो डाला है। Nice. बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रानी फ्रॉम गोडे गोडे चा। मेरी सबसे छोटी मासी ऐसे आती थी हमारे घर, सीरियसली। 90s में ना? हाँ, ये 90s से एक्चुअली। हाँ, ये कलर ऐसे सूट। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। ऐसी ही बहन जी हमारे यहाँ जनगणना की गिनती करने आई थी, पापा ने 8 में से 2 बच्चे छुपा दिए थे। आपकी प्रोफाइल पे बाकी फोटोज देखकर मेरी तरफ से तो हाँ थी ही, ये फोटो दिखा के मम्मी से भी हाँ करवा लेता हूँ। कौन है अभी? आगे दिखाइए। मेरे ससुराल वालों ने भी ऐसी फोटो दिखाकर मुझे फंसाया था, शादी के बाद पता चला वो सिर्फ फोटो में ही शांत दिख रही थी। माँ कसम बेसन का चिल्ला लग रही हो। और दिखाइए, मौनी ने फोटो डाला, ऑलवेज इन माई लेन माइंडिंग माई ओन बिजनेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अजीब अजीब बेजान चीजों के गले लिपट जाती हैं, और जो इनके लिए जान देने को तैयार है उनसे नहीं लिपटती। जिन लड़कों को लड़कियां हग नहीं करती वो ऐसे ही कार्टून बनके मॉल में खड़े रहते हैं ताकि लड़कियां हग करें। और नेक्स्ट, मौनी जी ज्यादा देर हग मत करना, सूखा पेड़ है आग पकड़ लेगा। ये बहुत अच्छा रिप्लाई किसी ने किया। बहुत अच्छा। नहीं भाई, ध्यान से देखो, मौनी के पकड़ते ही इसके पत्ते हरे हो गए। हमारे पापा कहते थे कोई टाल नहीं सकता होनी को, जिंदा सूखे घूम रहे भूत पकड़ रहे मौनी को। वाह, क्या शायर है। और दिखाइए,
Akshay Bajindrala, two imperfect people who have perfectly been stuck together since 22 years. Happy anniversary. Such a beautiful picture, Baji. आइए नीचे कमेंट्स दिखाइए. सर आप 22 साल बोल रहे हैं लेकिन लगता है 5 साल ही हुए हैं. मेरी तो 3 साल हुए हैं और लगता है 30 साल हो गए. कोई होगा दुखी बेचारा. शादी के 22 साल बाद भी हंस रहे हैं. सच में कमाल के एक्टर हैं. और दिखाइए. मैं भी पत्नी के साथ ऐसी ही फोटो खिंचवाना चाहता हूं लेकिन हम 2 मिनट भी बैठ जाते हैं तो कलेश हो जाता है. किसी ने रिप्लाई किया है अपनी वाली के साथ बैठा कर. मैं और मेरी बीवी ऐसे ही हंसते हंसते फोटो खिंचा रहे थे फिर उसने हीरे की अंगूठी मांगकर सारी फोटो खराब कर दी. और दिखाइए. नोरा अगेन द कैटेगरी इज ग्लैम. ओफ यू बेटा. दिखाइए. गॉड ये किसका तंबू उखाड़ लाई आप. मुझे समझ नहीं आ रहा टेलर ड्रेस बनाना चाह रहा था या रजाई. ऐसी ड्रेस किसी इवेंट में पहन लो तो एक टिकट पे चुपचाप 5 लोग घुस सकते हैं. ऐसी ड्रेस का एक और फायदा है पुरानी हो जाए तो कार ढकने के काम आ सकती है. और दिखाइए. दिशा ने फोटो डाला है सी प्लेन के साथ फोटो डाला बहुत अच्छा. आइए देखते हैं कमेंट्स. कुछ वक्त इंडिया में बिताने के बाद दिशा पटानी अपने गांव मालदीव लौटती हुई. लगता है दिशा ने प्लेन की चेन खींच दी थी इसलिए ये बीच पर ही उतर गया. मैडम पीछे वाला दरवाजा खुला है वहां से घुस जाओ. ये नहीं खुलेगा ये पायलट का है पता है हमें. हमें लड़ पड़े ना आगे हमको पता है. और दिखाइए. They notice such random things. सोनम ने फोटो डाला है कैंसल ऑन हिम इफ ही डजंट लुक एट यू लाइक दैट. शेर बग्गा रिलीजिंग. एमी पाजी है ना. दिखाइए कमेंट्स. ये असली लड़का है या मैनी क्वीन है. ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनम का ध्यान लड़के पर हो और उसका ध्यान सोनम पे ना हो. आदमी ऐसा ही होता है पहले सोनम को देखता है फिर सोनम मिल जाए तो किसी पूनम को देखता है. पूनम के चक्कर में जब सोनम चली जाए तो 10-10 के नोट पे लिखता है सोनम बेवफा है. और दिखाइए. सोनम ने अपनी कोल्ड कॉफी तो पी ली अब लड़के से कह रही है आधा गिलास दे दे तू मेरा भाई नहीं है. ऐसा बच्चे कर देते ना. और दिखाइए. दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड गुड फूड. आइए कमेंट्स दिखाइए. आगे का पढ़ना कौन सा. ये क्या लिखा है वो हैशटैग को वेजिटेरियन टर्किश मील. देखा खाने पीने की चीजें झट से पढ़ लेते हो आप. वैसे कहती मेरे को दूर का दिखता नहीं है. मेरा बड़ा भाई भी खाने के साथ मैजिक करता है. मैं आंख बंद करता हूँ वो मेरा रसगुल्ला गायब कर देता है. ये तो आप हैं इसलिए अच्छी लग रही हैं. कोई लड़का होता तो सब बोलते पी के पड़ा है. बात ठीक है. फर्श को देखकर लग रहा है ये थोड़ी देर में नागिन बन जाएंगी. और दिखाइए. खत्म. दोस्तों दिशा जो है ये अभी इजाजत लेंगी यहाँ से क्योंकि ये भी अक्षय पाजी की तरह बड़े काम पकड़े हुए इन्होंने. तो इन्होंने अभी फ्लाइट पकड़नी है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिशा. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ सेफ फ्लाइट. थैंक यू शुक्रिया. बाय. हैव फन. हैव अ गुड फ्लाइट. बाय लव. हैव अ सेफ फ्लाइट. बाय बाय. बाय. हाय. हाय. कैसे हैं आप. बस ठीक है. थैंक यू. कितना अच्छा लग रहा है. देखिए आज आप यहाँ 1, 2, 3 4 हो गई हैं और 5 हीरोइनों के साथ आए हैं. अरे अपने आप को भी मिलाना है तो 7 बोलना टोटल. शर्मा जी आपको जितना एक्स्ट्रा करना है कीजिए. लेकिन आप ये बात तो मान गए कि हम हीरोइन हैं. ये बात तो है. नोरा जी बहुत सुंदर हैं. कभी कभी आपको देखते हैं ना हमें ऐसा लगता है जैसे हम आईने में देख रहे हैं. तो तेरी बातों से लग रहा है तूने आईना फिर कभी देखा ही नहीं. और आपकी बातों से लग रहा है जैसे आपने और कुछ नहीं देखा आप सिर्फ हमें ही देखते हैं. हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली
जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। और कपड़ा हम कमाल का धोते हैं एकदम। आप लोग अभी शो के लिए जा रहे हैं, न्यू जर्सी भी जाएंगे ना आप? आपको पता है वो पहला न्यू जर्सी नहीं था, पहला वो पुराना जर्सी था। उसको ऐसा धो धो के साफ करके न्यू जैसा बनाया हमने, तब जाके न्यू जर्सी हुआ है। कपड़ा हम बहुत अच्छा धोते हैं, इतना कमाल का कपड़ा धोते हैं। आजकल तो भूत बाहर नहीं निकलते हमारे कपड़े धोने की वजह से। डरते होंगे तुझसे? नहीं नहीं नहीं, क्या है, भागते भूत की लंगोटी हम धो दिए ना। और वो धो के कभी हम भूतों को लौटाए भी नहीं। अच्छा। तो बेचारे शर्म से वो बाहर नहीं निकलते हैं भूत। भूत लोग भी शर्म करते हैं, और तू मुंह उठा के हमारी चलती इंटरव्यू में आ जाती है। सर मुंह उठा के क्या होता है, मुंह घर पे रख के आए हम। बात तो सही है। हाँ, कोई इंसान अपना घर पे मोबाइल भूल जाता है, चार्जर भूल, कभी सुना है कोई अपना मुंह घर पे भूल गया हो? गर्दन भी तो भूल के आती है, कभी गर्दन लाई आज तक तू? सर मुझे एक बात बताइए, आपका ये नया गाना रिलीज हुआ है ना? हाँ, हुआ आपको है? पता है बहुत अच्छे अच्छे उस पे कमेंट आ रहे हैं। हाँ तो जाके रिप्लाई करो ना, बिजी रहो कहीं। और अक्षय कुमार जी कैसे जाना हुआ? जाना हुआ नहीं, कैसे आना हुआ ऐसे पूछते हैं? ये अमेरिका जा रहे हैं ना, तो यही पूछेंगे कैसे जाना हुआ। आज तू इसको नहीं हरा सकता। आज ये जो समझदारी वाली बातें कर रही है, इसने आज तक इतनी समझदारी वाली बात, मैं बस कितनी बार लाइफ टाइम अचीवमेंट देके हमने भेज देना आज। बहुत समझदार हो गई है बेटा तू। एक और समझदारी वाला बात फिर साथ में बताओ, बताओ, बताओ। रक्षाबंधन 2 अगर आपका फिल्म आता है, वो आप ही शर्मा जी के साथ बना रहे हैं क्या? क्यों नहीं, तो उनकी सारी बहने साथ में क्यों लेकर आ गया आज? Shut up, ऐसी फालतू बातें कर, मैं अंदर जाता हूँ साड़ी पहन के आता हूँ, तुझे महिलाओं की तरह पीट रहा है। आपको सच बताएं, आपके फिल्म में विलन होता है ना, विलन, हमारे जीवन में 2 विलन हैं। 2 कौन? ये एक तो ये है जो हमारी बातें काटते रहते हैं, दूसरी अर्चना जी जो ये ताना जो मारते हैं उस पर हंसती भी है। पता नहीं, नहीं पता नहीं ये अर्चना जी का क्या मजबूरी है, इनका चल रहा है पता नहीं। वही मजबूरी है जिसकी वजह से तू ये सूट पहन के आई, 2 चोटियां लगा के आई है। वही मजबूरी है। दी 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 दी। ये हमारे घर से एम्बुलेंस आई है। हमारी बहन है रानी नाम है, इसका गांव से आई है, सबसे मिलना चाह रही थी, हम बुलाए नहीं थे फिर भी आई है। दीदी अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार जी मिलो, इतना मिलो, मिलो। दीदी हम भी इनके साथ टूर पे जाना चाहते हैं। अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा बात है। यहाँ पर ये लोग भी अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि कब रानी आएगी, कब उसको टूर पे हम लेकर जाएंगे। तुम ही तो हो इनकी नोरा फतेही। थैंक यू दीदी, आपने हमें नोरा कहा। दीदी चिड़िया के घोंसले को कहते हैं नेस्ट, माय दीदी इज द वन ऑफ द बेस्ट। सार्कैज़म ना इसको समझ में नहीं आता है लगता। तुमको ना कहीं नहीं जाना, तुम टूर पे नहीं जाओगी। क्या अभी तुम्हारा उम्र क्या है, मेहनत करो, काम वाम करो, करियर बनाओ पहले कुछ, जाएगी टूर पे बड़ी आई। दीदी हम अपने लिए नहीं जा रहे थे, हम तो वहाँ आपके लिए गोरा चिट्टा लड़का ढूंढने जा रहे थे। फिर तो जाना है। सर देख रहे हैं आप, लड़की की सोच कितनी अच्छी है, ये लड़की को विदेश ले जाना चाहिए। जाओ तुम जाओ इनके साथ, लड़का मिल जाएगा ना हमारे लिए वहाँ पे। हाँ दीदी मिल जाएगा, क्योंकि लड़के वहाँ के सिर्फ दिल देखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि चेहरा कैसा है। कहीं तुमने हमारा बेइज्जती तो नहीं किया है? नहीं दीदी, हमने ये कहा कि दिल की कितनी अच्छी हैं आप। हाँ ये तो कहा इसने, सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे ना अंग्रेजी में बात करना होता है ना, तेरे को आता है अंग्रेजी? हाँ दीदी हमने वो किताब पढ़ी है कि 30 दिन में कैसे अंग्रेजी सीखें। ये किताब किताबों से नहीं होता है, अंग्रेजी सीखता है बोल बोल के। जितना ज्यादा बोलोगी उतना ज्यादा सीखोगी। एक काम करते हैं, अभी ना इसी क्षण से हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी से हम यहाँ पे जितना भी बात करेंगे सिर्फ अंग्रेजी में करेंगे, ठीक है? Ha 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 ha
Oh. और इसी के साथ हमारा भी क्लियर हो गया कि हमारे भी टूर में कौन कौन जा रहा है। पैसा और बताओ, जा रही हो अमेरिका और क्या क्या करोगी वहाँ पे? दीदी हम वहाँ जाके ना लोगों को ऑक्सीजन बांटेंगे, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। क्यों? रोड पे सारे लड़की और लड़के एक दूसरे को मुंह से ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। हम देख रहे हैं कितनी भोली है हमारी बहन, वो मुंह से ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते हैं, वो लोग सब प्यार प्यार दे रहे हैं, प्यार प्यार दे रहे किस कर रहे होते हैं वो, क्या किस कर रहे होते हैं? इसका मतलब माउंटेन लिफ्ट में मेरे साथ किस किया, वो ऑक्सीजन नहीं दे रहा था। मॉन्टी जैसे लड़के से दूर रहा करो। अभी एक दो दिन पहले हमसे भी बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था वो मॉन्टी। दीदी वो मेरे चक्कर में आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, वरना आप खुद ही सोचिए कोई लड़का आपको मुंह क्यों ही लगाएगा। इस तरह तुम अपनी बहन से बात करोगी, मुंह कौन लगाएगा? देख नहीं रहे हो पिछले 10 मिनट से टुकुर टुकुर कौन हमें देख रहा है? उनके मन में चल रहा है कि काश शादी से पहले एक बार गुड़िया से पूछ लिया होता। दीदी वो इसलिए पूछना चाहते थे कि शायद ये घोड़ी पे नहीं अपनी बारात हाथी पे ले जाना चाहते हूँ। हमारी प्यारी बहन, चलो घर पे चलते, तुम्हारा टिकट भी तो निकालना है। हाँ दीदी, यूएस का नहीं यूपी का, गांव जाओगी वापस तुम। माफ कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे, अभी निकलते हैं, चल यहाँ से, ठीक है, बाय बाय। मौनी आपको पता है आप जब इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हो ना शादी के बाद, आप इतनी ग्लैमरस फोटो डालते हो ना, हमारे दास दादा ना फोटोग्राफर, ये सुबह अखबार पढ़ने से पहले आपकी फोटो देखते हैं। तो इनकी बीवी ने पूछा कि क्यों देखते हो, कहता मैं जब मौनी की फोटो देखता हूँ तो मेरी आंखें खुल जाती हैं, फिर अखबार पढ़ने में आसानी होती है, ऐसा दास दादा कहते हैं। आपको नहीं लगता आपको कैप्शन नीचे डालना चाहिए कमजोर दिल वाले इसे ना देखें? मैं क्या बोलूं, अब आप बताइए मुझे इस पे। बस इतना ही बोल दिया काफी है, अच्छा लग रहा है। सोनम के बारे में मैं आपको बता दूं कि 15-16 पंजाबी फिल्में कर चुकी हैं, तमिल में ये फिल्में कर चुकी हैं, तेलुगु में ये फिल्में कर चुकी हैं, बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं। हिंदी में आप वेट कर रही हैं कि कब कपिल शर्मा के साथ फिल्म कर, ऐसे मतलब? आप ज्यादा सवाल मत पूछो मुझसे, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। आप हर सैटरडे संडे आते हो टीवी पे जी, शोज करते हो, एक्टिंग भी करते हो, फिल्म भी आ रही है जिसका तक्के नाल प्रमोशन करता है, इतना सब कुछ करते हो, तो मतलब ये तो लॉकडाउन था तो ठीक है, तो अदरवाइज तो आपको फैमिली प्लानिंग करने में बहुत मुश्किल होती नहीं? इतना नॉटी क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है, काम बिजी होता है इंसान, रात को पानी पीने तो उठते ही हो आप। मैंने कितनी बार आता हूँ शो पे, मेरे दोस्त आते हैं तो ये इनको ऊपर बुला लेता है, मेरी एक दिन सिस्टर आई थी, सिस्टर को भी इसने ऊपर, आज इनकी मम्मी आई है, मैं मम्मी को ऊपर बुलाना चाहूंगा। मम्मा नु लेके आओ जी, मम्मा फिल्टर नहीं है मम्मी दा, कोई गल नहीं, आ जाओ, ऐसे ऐसे पूछ लो मम्मी से, आ जाओ, इतो चलोगे? नमस्ते नमस्ते, आ जाओ तुसी मेरे नाल बैठो, इतने बैठो, इतने बैठो,
लो तुसी माइक लो। कपिल डर रहा है, मम्मी क्या बोलेगी? जदों ऐ छोटा सी तुसी मैनूं गल दसो, तुसी जदों पड़ोसी आंदे सी तुसी कहंदे सी हां भाई इहनां नूं हसा? बिल्कुल नहीं सी, शैतान नहीं सी हैगा। ऐ शैतान नहीं है तो फिर पता नहीं दुनिया च कोई नहीं शैतान नहीं है। ऐ ऐसा किया करता था जदों ना रात को ना पुड़ियां बन के ना कुड़ियां बंद के पुड़ियां 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 अच्छा कागज काट के ना ते हल्दी हल्दी पा के ना सारे नु दरवाजे दे अगे रख हुंदा सी। अच्छा रेले दे क्वार्टर सी साडे, असीं रेंट ते रहिंदे सी ते उहनां दे साडा इक क्वार्टर छड्ड के पंज नंबर ते बाकी सब दे अगे पुड़ियां रख दिंदे दरवाजे दे विच। रात नु रख हुंदा सी, उस वेले बोलदियां उठ के ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਖੂਬ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਡੈਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਤੇਰੇ ਆਂਗਨ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ। I lost my mother about 1.5 years back. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਪਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨੌਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, एयरपोर्ट की लुक अंदर से कैसे होती कभी देखी? बसों में कंघियां बेचने वाले आदमी, तुझे कहा था अक्षय भाजी के सामने नहीं आना। भाजी 8 मिनट के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। एक बात बताए, ये तेरा दोस्त है? आपको कैसे पता चला? नहीं ये बता दो, ये दोस्त है तेरा? आपको पता कैसे चला पहले ये बताओ। मतलब तेरा दोस्त क्या मतलब सिंघानिया या ओबरॉयज होंगे? इसके यही होंगे राजू, दिनेश, पांडे, यही तेरे दोस्त होंगे और क्या होंगे? हाँ पाजी सॉरी, तेरी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती है। पाजी ऐसे शूटिंग देखने आया, खाना खा के चला जाएगा। अबे तो शूटिंग देखने आया तो उसको आगे बिठा, मेरे दोस्त आते कैसे चुपचाप बैठे रहते? मैं लेके आता हूँ स्टेज पे, तू सबको ले आता ऊपर। यार बता दे जवाब। पाजी प्रॉब्लम ये है कि सामने बैठ के ना सिर्फ एक ही बंदे को चेक मिलता है। हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ती पाजी चेक लेने के लिए। पाजी मैं ना सिर्फ आपसे एक छोटा सा काम है, देखिए आपके शो में ना देखिए ग्लैमर भी है, एंटरटेनमेंट भी है, डांस भी है, सर एक चीज मिसिंग है, कॉमेडियन। मेरी फिल्म आ रही, मैं तो नहीं जा सकता। और कोई नाम बता, तेरी नजर में है कोई कॉमेडियन? और मैं क्या इधर झाड़ू देने आया हूँ? तू अपनी बात कर रहा है यार, तो और तुझे मेरी बाहर आटे की चक्की है कि मैं तो तुम्हारे पास अखबार देने आ जाता हूँ, ये लो अखबार पढ़ लो आज की। अच्छा तुझे जाना इनके साथ, पर जनरली मैं तेरे को बोलूँ लगेज तो सारा चला जाएगा जहाज में, कार्गो में। हाँ। अपने छोटे छोटे बैग है वो लड़कियां खुद उठा लेंगी। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ वैकेंसी फॉर यू ब्रो। यार तुम्हें लगता है हैंडसम चेहरा बैग उठाने के लिए है? आई एम वेरी टैलेंटेड ब्रो। पाजी टैलेंटेड बहुत है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ऑन ए सीरियस नोट। आप लगेज कई बार एक ही कलर के हो जाते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, ये सूंघ के बता देगा आपका वाला कौन सा है। अरे जर्मन शेफर्ड था पिछले जन्म में।
तो क्या करूं बता फिर, अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे अपना नाम राजू से चेंज करा के टॉमी रखा। बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता है जब ये पैदा हो ना बाजी, हेल्थ मिनिस्टर खुद आया, इसके मम्मी डैडी कहता है इधर हाथ से लिख के दो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पाजी जब ये पैदा हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल वालों ने सारे डॉक्टर छिपा दिए, कहते इसकी नजर पड़ गई ना तो इसने साड़ियां बना के सबको नर्स बना देना। ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा I was there. अच्छा ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो डॉक्टर पुरुषोत्तम दास पे तुम्हारी नजर पड़ी थी, जो आज तक विग पहन के सामने बैठ के हंस रहा है, उसका क्या? जज के ऊपर पंच मारता है, फालतू इंप्रोवाइज करता है। ये पैदा हुआ ना तो लोगों ने इसके डैडी को नहीं कुछ कहा, इसके दादा को पीटा, कहते जब तेरा ही रिजल्ट खराब आया था तो तू अपने बेटे को नहीं रोक सकता था। पहले एक बात बता मेरे को, मैं वैसे ही सोच रहा था पाजी, अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो ये इन खूबसूरत हीरोइनों को किसको पैदा करके हंसाता? तुम काम की बात बताना, जब तुम और मैं कनाडा गए थे टूर पे, वहां हाँ। जो लोगों ने मेरे बारे में कहा वो बता। हाँ, लोग कहते आपके साथ है इसलिए छोड़ रहे, नहीं तो मार देते हम। नियाग्रा फॉल में फेंकने वाले थे इसको। ओ जाजा, तुमसे ज्यादा प्यार मिला था। मैं नीचे उतरा स्टेज से, लोग मुझे कहते आप हमारे साथ चलो, हम खाना खिलाएंगे आपको, चलो सब मिलकर लेके जा रहे थे। अच्छा अर्चना, जब इसकी एंट्री होती है वो लंच ब्रेक नहीं होती, आप चने खाने शुरू कर देती हो। एक बंदा आ गया बैकस्टेज पाजी इसको मिलने, फिर? वो कहता आप मेरी यहाँ पे बर्गर शॉप है, आप बर्गर बनाएंगे? कहता सॉरी मुझे ये काम आता नहीं। तो कहता भाई साहब ये जो आप स्टेज पे कर रहे थे ये आपको आता है? पाजी जहाँ पे फैंस होते हैं कुछ एक क्रिटिक्स भी आते ही हैं, और इसके तो फैन भी जब आते हैं वो सारे क्रिटिक्स हो जाते हैं बाद में। देखो अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो दोबारा जो टूर लेके जा रहे हो उसमें मुझे क्यों रखा फिर? मैं तेरे को किसने कहा है? किसने कहा जा, तूने पिछली बार बड़ी बेइज्जती करवाई, एम्बेसी में गया ना तो इसका पासपोर्ट देखा गोरे ने, कहता ये आप हैं? कहता हाँ। कहता कमाल है आपका पासपोर्ट आज तक किसी ने फाड़ा क्यों नहीं? उसने पूछा आपका कभी आज तक वीजा रिजेक्ट हुआ है? ये कहता नहीं। कहता ये लो फिर हो गया। कहता इसकी इतनी बेइज्जती करवाता है हमारी। अच्छा और जो आप एम्बेसी में गया इसको बोलते हैं, कहते डू यू हैव परफॉर्मेंस इन न्यू जर्सी? कहता नो, ओल्ड जर्सी, न्यू जर्सी बैग में। ये गया फ्लाइट में एयर होस्टेस आई, कहती मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कहता इधर तो फिर सारे देख रहे फालतू में यार। इंप्रोवाइज करवाता है। नहीं नहीं बैठो आप पाजी, फिर हमारा ऊपर पंखा सीधे सर पे चल रहा, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। कपिल कपिल एक मिनट, पता है पाजी उठ के गए, तेरा मुंह बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, मेरा देखना चाहते हैं। ये रणबीर कपूर देख लो अब सामने से। एयर होस्टेस आई, पाजी ऐसे नहीं आके बोलती इस जहाज में 8 द्वार है, दो इधर है दो इधर है, इसको देख के कहती तुम चलो बाहर। कहती पहली बार जब जहाज में बैठा तो एयर होस्टेस ने बोला कि आप ये बटन दबाएंगे मैं आ जाऊंगी, ये बटन उखाड़ के घर में ले गया, वहां जाके दबा रहा है, आ नहीं रही। सोनम इस बात को समझेगी, एयरलाइंस में काम भी किया ये है। वो कहती क्या लेंगे आप? कहता एलमंड मिल्क। वो शीशा ले आई, कहती देखो जरा अपना मुंह, तुम्हारा एलमंड मिल्क बनता है? कहती खुद का मुंह ऐसा है, लस्सी पी के उसका पटाखा मार देते। पाजी वो स्कैनिंग मशीन नहीं होती जहाँ से बैग निकलते स्कैन करने के लिए, उसमें खुद लेट गया जाके। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहता इधर मेरे दर्द हो रहा है, इनको बोलो स्कैन कर दो, पथरी तो नहीं है यहाँ पे। पाजी आप बिलीव नहीं करोगे, ये फ्लाइट में बैठा ना पायलट ने देख लिया इसको मिरर में, उसने हवा में स्लिप मारे जहाज के। कहता ये बंदा सुबह मुझे ऑटो में एयरपोर्ट छोड़ के गया, इसको मैं न्यूयॉर्क लेके जाऊं? पाजी इसको गाने का कितना शौक है, ये गया कॉकपिट में, पायलट ने बोले लगाए थे कानों में, हाँ। उसके निकाल के ना अपने कानों में लगा लिए। कहते पाजी नुसरत साहब लगा दो, मेरा कवाली का टाइम हो गया। ये देखो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी हाँ, कोई बात नहीं हुई ऐसी। ये बंद करते रहो ना, गंदा सा क्लीवेज ना दिखा मैं, बंद कर इसको भाई, कर इसको। ये भी वो खुला रख सकता है जो फिट है, तुम्हारी तरह टी शर्ट नहीं पहन के आते अंदर से। वाह शाबाश, आज तुझे कितना बोलना बोल ले। पाजी ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये धमकी बहुत देता है, बहुत धमकी देता है। हाँ। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तू पाजी, थैंक यू वेरी मच। अब सुन ले पाजी, मैं उनकी आदत है वो ऐसे ही बोलते हैं, जाते हुए बोल के गए थे इनू बाहर कट, पिछली बार भी बोला था उन्होंने। पाजी जिनके लिए बोला था उसको तुम निकाल चुके हो, है इसकी हरकतें है कि नहीं? आ गया राजीव। नोरा जी आप चैरिटी में बिलीव करती हैं? हाँ। तो मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो एज चैरिटी। प्लीज पता क्या, आप एक बार कैमरे में बोल दोगे ना राजू आई लव यू तो मेरे मार्केट में रेट बढ़ जाएगा, प्लीज एक बार बोल दो। मेरे को नहीं पता ऐसी चीजें कब निकल आती फिल्म सिटी में।
आपको पता है रात को इधर पैंथर भी आता है, लेपर्ड भी आता है और ये लोग भी निकल आते हैं। हाँ, और जो पैंथर आता है उसके कपड़े तू पहनता है। ये पैंथर के कपड़े बाजी, इससे बेस्ट डिजाइन पहना है MF हुसैन। नो नो, ये पैंथर के हैं, तूने पहले पैंथर को होली के रंग में नहलाया फिर उतार के कपड़े पहने। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्लीज रिक्वेस्ट है, क्या बोलो? राजू आई लव यू। राजू आई लव यू। नोरा, आई एम सॉरी, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है। थैंक यू। आपको पता है अर्चना जी, नोरा ने अभी मीडिया में एक बयान दिया कि अगर लड़का लड़की साथ में डेट पे जाते हैं तो उस डेट पे जो भी बिल आए अच्छा, वो लड़के को देना चाहिए, ऐसा इनका बयान था। नोरा, जो लड़के गर्लफ्रेंड के खर्चे पे पल रहे हैं कि वो आएगी तो हमें नूडल खिलाएगी, वो कहाँ जाएं? आपको पता, आपके इस बयान से ऐसा जो तबका है, बेरोजगार जो आशिक हैं, वो आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको इस बात का डर नहीं लगा? आपने क्यों कहा ये? अजीब है ना, अगर वो लड़की पे करते हैं ना डेट पे। नोरा, वर्ल्ड इज चेंज नाउ, वुमेन आर पेइंग ऑफ कोर्स। हाँ, एट लीस्ट यू कैन पे, बट आई एम नॉट पेइंग। आई लव द क्लैरिटी। Maybe ऐसा होगा कि when somebody is dating you, Nora, they are willingly paying. When they are dating me, they are not paying, so I have to pay. पाजी, अब तो आप सुपरस्टार हो, पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करते हो आप। पहली बार दुनिया में जब आपने फ्लाइट ली थी, क्या एक्सपीरियंस था पाजी आपका? बड़ा ही फनी सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मुझे जाना था दिल्ली टू बॉम्बे। अच्छा जी। तो पहली बार मुझे फ्लाइट में डैडी भेज रहे थे, तो मुझे बोला बेटा तेरे को मैं फ्लाइट में भेज रहा हूँ, और फ्लाइट जो है एयरबस है। अच्छा जी। और मैं तभी शायद 10 या 11 साल का था, तो मुझे एयर होस्टेस के साथ बोला कि ये ले जाएगी। अच्छा। मुझे बोला गया था एयर बस है। अच्छा। तो वो जो बस होता ना, जो एक बस लेके जाती है जो फ्लाइट तक, तो मेरे हाथ में एक बैग था, तो मैंने यूं बैग को एकदम कस के पकड़ के यूं खड़ा हुआ था। तो एयर होस्टेस बोली व्हाट हैपेंड? बोला नहीं, मुझे लगा ये एक्चुअली ये बस उड़ने वाली है। कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं थे, पता नहीं था कुछ भी। लेकिन आज भी जब ये होता ना कि फ्लाइट में बैठना है उसका जो, और फर्स्ट क्लास में, और जो खाना खाओ, एयर होस्टेस आएगी देगी खाना देगी, इतना मजा आता। और सोने का आनंद ही कुछ और है। कुछ और है फ्लाइट में। ऊपर 35,000 फीट आप तकिया लगा के आप सोए हो, इतना मजा आता है। अभी भी वो भूख नहीं गई, वो भूख नहीं जाती फ्लाइट में बैठने की। तो कहावत है कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, ऐसे लोग बोलते हैं, करना भी चाहिए अपने आप को, सेल्फ एंटरटेन भी करना चाहिए। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करते हैं, आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो अक्षय सर। हेलो जी। स्टोरी ये है कि हम अपनी फैमिली में कपिल शर्मा शो करते हैं। अच्छा। जब भी मेरी फैमिली में गेट टुगेदर होता है, हाँ जी, तो मैं तो अर्चना मैम का ही रोल प्ले करती हूँ, लाइक दिस। और सर, जितने भी हमारे घर में बॉयज हैं, सब साड़ियां पहन के डांस करते हैं। आपके घर के फैमिली के लड़के साड़ियां पहन लेते हैं? माय दीदी जिया जी आते हैं तो हम उनको सेलिब्रिटी बना देते हैं। अच्छा। और बाकी सब उनका इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा। और हमारे गेस्ट कौन होते हैं? उन्हीं के बच्चे। और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि सारे चारों खाने चित। और अर्चना मैं बुरा बंदा ना, हम एक नवजोत सिंह सिद्धू जी भी बनाते हैं जो बहुत ही अच्छा। और मैम, इतना मजा आता है, यू कांट बिलीव, कि हमारा वो फैमिली पैकेज जो होता है उसमें सब, मतलब सब लोग एंटरटेन हो जाते हैं एकदम। कोई गाने गा रहा है, कोई शेर सुना रहा है, और कोई ये साड़ियां पहन के लड़के डांस कर रहे हैं। तो हम सर इंस्पायर्ड तो सर आपसे ही है ना सर। मेरे पे मत दोष दो, आप अब डॉक्टर को दिखाओ। शुक्रिया सोनिया जी, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, भाई साहब को माइक दे दीजिए। हेलो। हाय कपिल जी। हेलो हेलो। मेरा नाम पंकज मिश्रा है, मैं न्यू जर्सी यूएसए में रहता हूँ। ओहो, अच्छा। स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोगों का न्यू जर्सी में स्वागत है दिल से। अगर घर का खाना खाना है तो बंदा हाजिर रहेगा पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए। लेकिन हाउ स्वीट। या हमारी जो एंटरटेनमेंट का बेस है वो है फिटनेस, और इंस्पायर्ड बाय अक्षय कुमार जी। जैसा आप कहते हैं सर कि मतलब एवरी डे 45 मिनट्स to 1 hour अपनी बॉडी के लिए दो, एंड बॉडी विल रियली थैंक यू, इट विल थैंक यू। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फिट एंड फाइन रहें। सूर्य नमस्कार करते हैं, मेरी पत्नी है 108 सूर्य नमस्कार करती है। अरे वाह, 108। और आप पत्नी को कितनी बार नमस्कार करते हैं रोज?
नमस्ते अक्षय जी. नमस्ते जी. आप हमारे रियली इंस्पिरेशन है. कोई नहीं, एक्चुअली मेरे बॉडी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सब करती हूँ और आपके जो स्टंट वगैरह देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. कोशिश यही है कि जब तक जिंदा रहूंगी मैं इसको चालू रखूंगी, कभी इसको छोड़ूंगी नहीं. आप ये जो बोल रही थी कि जब तक जिंदा रहूंगी इसको छोड़ूंगी नहीं, फिटनेस की बात कर रही थी कि पति की बात कर रही थी आप? दोनों की. अच्छा अच्छा जी. थैंक यू बेबी. एक और चीज कपिल जी आपके लिए, दिस इज स्पेशली फॉर यू. जी सर. समवेयर आई फील कि आप मेरे ना मेल सौतन है. मेल सौतन होता है क्या होता है, जब हम रात को खाना पीना खा के सब कुछ हो गया, पैकअप एवरीथिंग, आप बेडरूम में चले गए, तो देवी जी जो है ये अपना फोन निकाली, कान में ईयरबड डाला, कपिल शर्मा शो चालू. डेढ़ से दो घंटा शीज ऑन द शो. मैं सौतन कैसे हुआ आपका? अरे भाई फिर मुझे छोड़ के आपके साथ लगी है. नहीं. शो पे. आपकी शादी को कितने साल हो गए मिश्रा जी? 33 साल. 33 years. 35 साल. तो अब भी वो शो नहीं देख सकती? मतलब क्या चाहते हैं आप? वाह यार क्या बात है. पर लगता नहीं कि आपकी शादी को 35 साल हुए. बोथ आर सो फिट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिश्रा जी. धन्यवाद. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो अक्षय सर. हेलो एवरीवन. आई एम ज्योति एंड मैं पंजाब से हूँ. हेलो ज्योति, वेलकम. या थैंक यू. सो एंटरटेनमेंट के लिए जब हम सारे सोर्सेज से बोर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो मैं और मेरी डॉटर अनायरा, शी इज 3 years old. अरे नायरा. नायरा मेरी बेटी का नाम है. नायरा वो भी 3 साल की है. हाँ नहीं जी. तो मैं अपने हस्बैंड को ही एज अ यू नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हम उनको बनाते हैं. हाँ बस इसी काम के लिए बचे हस्बैंड. और तो कुछ नहीं. अच्छा फिर क्या करती हैं आप? तो ही इज अ वेरी बैड डांसर. तो बट अनायरा को ही नेवर सेज नो. तो अभी उन्होंने, अनायरा ने रिक्वेस्ट किया कि पापा डांस करके दिखाओ. तो ही रैप्ड यू नो दुपट्टा, जो हमारा है ना गर्ल्स का दुपट्टा होता है एज अ साड़ी, उसको रैप किया. तो उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया. तो अच्छा, मैंने वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया एंड बाद में उनको मैंने दिखाया एंड आई ब्लैकमेल्ड हिम. तो पूरा अपनी जो अब कोई भी बात मनवानी होती है तो मैं वो पूरा वीडियो यूज करती हूँ उनको. वाओ शुक्रिया ज्योति जी आइडिया देने के लिए. अक्षय भाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू नोरा. थैंक यू सोनम. थैंक यू मौनी. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके टूर के लिए और बहुत मजा आने वाला लोगों को. और आप अपनी फैमिली के साथ आइए, आपको मजा आएगा. और ढेर सारी शुभकामनाएं भाजी. थैंक यू. लव यू भाजी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर हफ्ते शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.